टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने पुलिस ने एक महिला को मॉल में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये महिला शहर के अलग अलग मॉल में जाकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरियां किया करती थी। इसी तरह से इस महिला ने थाने में ही विजय सेल्स में जाकर एक लैपटॉप चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जब इस लैपटॉप की चोरी होने की जानकारी मिली तो सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये महिला साफ दिखाई दे रही है। शिकायत करने के बाद पुलिस ने तकनीकी सहायता और गुप्त जानकारी के आधार पर इस महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला के पास से चोरी किया गया लैपटॉप भी बरामद हुआ है। साथ में पुलिस ने इस महिला के घर से इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ी संख्या में बरामद किया है, जो इस महिला ने शहर के अलग अलग मॉल से चोरी किया था। मगर वहीं अब ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाणे शहर पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। 3 नवंबर 2021 को रात के 8:30 से 9:15 बजे तक विजय सेल्स घोड़बंदर रोड पे जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स का शॉप है, मॉल है, वहाँ से एक लगभग 1 लाख रुपए का एसर का लैपटॉप चोरी हो गया था। और उसके अनुसार जब पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया तो जब सीसीटीवी फुटेजेस जब उन्होंने स्टडी की सीनियर पीआई श्री सोनम ने और उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स है एपीआई पिंपड़े, पुलिस नायक निखिल जाधव और पुलिस नायक रवि रावते, तब ये पता चला कि इस वारदात में एक महिला शामिल है। जब सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हो गया कि ये महिला के पास शायद मोबाइल भी है, तो मोबाइल और सीरियर डेटा एनालिसिस के बाद, टेक्निकल एनालिसिस के बाद, लगभग 650 से 650 मोबाइल्स के लिस्ट हमको प्राप्त हुई सस्पेक्ट की। उसको फिर बाद में फर्दर एनालिसिस के बाद एक महिला पिनपॉइंटेड सीसीटीवी फुटेजेस और सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ्स है इसके एनालिसिस के बाद ये महिला को हमने पिनपॉइंट किया। उसके घर में जब हमने दूसरे दिन जाकर विजिट करके उसको ताबे में लिया तो उसके साथ में ये एसर लैपटॉप जो था उसके घर में मिला। इससे वही इन्वॉल्व थी ये साबित हो गया था। अरेस्ट करने के बाद फिर से जब हमने उसके घर में फिर से एक बार डिटेल में जब विजिट करके चीज़ें देखी तो लगभग 2 लाख रुपए की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ जो आपको डिस्प्ले की गई हैं वो दिख रही है। ये सारे ब्रांड न्यू चीज़ें वस्तुएँ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कि ये अलग अलग शॉप्स में, खास करके बड़े शॉप्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, उन वहाँ जाते थे और छोटे छोटे बड़े बड़े चीज़ें जो जो मिलती थी वो उसको पिक करके लाती थी।